आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ WM प्लांट, जो कि मैक्सिमस कंपनी का है, उसका पैनल के बारे में और उसका प्लांट वर्किंग कैसे करता है। दोस्तों, ये अपना WM प्लांट जो कि 250 TPH का है, जो कि मैक्सिमस कंपनी का पैनल है, जो मैक्सिमस कंपनी का प्लांट है उसका पैनल है, जो कि आपको दिखाना चाहूँगा। ये पैनल फॉर्च्यून पैनल सिस्टम कंपनी, जो कि इंडिया की है, लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी मॉडिफाई करती है इसको। अपना पैनल जो कि है ये 250 TPH का WM प्लांट का, इसको चालू करने के लिए, अपना प्लांट स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले हम लोग अपना, ये पहले अपना पैनल देख लीजिए भाई साहब, भाइयों सब लोग, ये अपना पैनल है जिसको प्लांट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपना, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा मैं, सबसे पहले हम लोग अपना इमरजेंसी बटन हटाएंगे, जिससे कि अपना कंट्रोल सप्लाई ऑन होगा। ये देखो, कंट्रोल सप्लाई ऑन होगा, ये अभी सब जीरो हो जाएगा। ये अपना जो सिस्टम दिया हुआ है 99, 36, 76, 77, ये अपना लैब से मिलता है, ये कितना परसेंट हमको क्या रखना है। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इमरजेंसी हटाई, उसके बाद हम लोग ग्लोव हॉपर, जो कि हॉपर जहाँ से माल गिरता है उसके गेट के लिए, इसकी मोटर को ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद में सबसे पहले हम लोग अपना हॉपर का जो गेट है उसको ये देखना चाहेंगे, ग्लोव हॉपर ओपन एंड क्लोज, ये ऑटोमेटिक और मैनुअल है। हमेशा इसको मैनुअल पर लगा के रखते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक में रखेंगे तो हो सकता है गाड़ी ना भी लगी हो प्लांट के नीचे, हॉपर के नीचे, और अपना माल गेट खोल जाए तो माल गिरने लगेगा। इसके लिए इसको मैनुअल में रखेंगे, तो जब हम लोग खोलेंगे तभी खुलेगा, जब बंद रखेंगे तो नहीं खुलेगा। इसके लिए आप सबसे पहले ग्लोव हॉपर मोटर को चालू करेंगे, उसके बाद अपना इसको गेट ओपन करके चेक कर लेंगे, ओपन बंद करके, ओपन क्लोज करके, काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो, अपना चेक कर लिया, वर्क कर रहा है, उसके बाद में इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में अपने जो लोड आउट बेल्ट है, जो कि माल को ऊपर लेके जाता है मिक्सर के मिक्सिंग होने के बाद में, इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन होने के बाद में जैसा चेक करेंगे अपना मोटर चालू हो गया, उसके बाद में हम लोग अपना सबसे पहले जैसे देख लेंगे बेल्ट चालू हो गया, फिर अपना ये मिक्सर जो पग मिल जिससे माल मिक्सिंग होता है, इसको स्टार्ट कर देंगे। ये स्टार्ट होने के बाद में ये दो दो स्टेप में स्टार्ट होता है, डेल्टा पे होती है, तो एक बार स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में ये पुश हो जाएगा, फिर 10 सेकंड या 20 सेकंड जो भी उसका टाइमर होगा, समथिंग अमूमन जो है 15 से 20 सेकंड लेता है, ये स्टार्ट हो जाए। अब ये स्टार्ट होने के बाद में हम लोग अपना सिलेंडर कन्वेयर जो कि यहाँ पे है, इसको चालू करेंगे, और इसके बाद में तुरंत हम लोग अपना गैदरिंग मोटर जो कि इसको चालू कर देंगे। गैदरिंग चालू करने के बाद में ये हो गए सीमेंट के, सीमेंट हॉपर, ये जो स्क्रूब होता है जो सीमेंट को लेके हॉपर मिक्सिंग में मिक्सर में डालता है, उसका है ऑटो स्टार्ट और स्टॉप का। उसके बाद में हम सीमेंट हॉपर का जो ये सीमेंट हॉपर स्क्रू इस चैन है, इसको चालू करेंगे तो मोटर चालू हो जाएगी, जो कि अपने यहाँ पे सीमेंट हॉपर में दो मोटर लगी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के उसका है। इसको भी ऑटो मैनुअल लगाएंगे, जो ये है कि मैनुअल में रखना है कि ऑटो में, इसको हम लोग हमेशा ऑटो में रखते हैं। उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे सीमेंट हॉपर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इसलिए ऑटो में रखते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट रखते हैं ताकि अगर सीमेंट में सीलन आ गई या कुछ है तो वाइब्रेट करता रहेगा बीच बीच में, तो हमारा सीमेंट बराबर आता रहेगा। फिर उसके बाद में ये आ जाता है विन वाइब्रेटर, जो कि अपना फीडर होता है जिससे माल आता है, तो उसमें एक नंबर में डस्ट भरा जाता है, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं विन वाइब्रेटर ऑटो मैनुअल, विन वाइब्रेटर वन स्टॉप एंड स्टार्ट, इसको ऑटो में रख के छोड़ देते हैं तो अपना वाइब्रेट करता रहेगा, जिससे अपने डस्ट जो है क्रेशर डस्ट वो बराबर आता रहेगा। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं यहाँ इधर, ये अपना प्लांट लोड है, कितने लोड पर अपना प्लांट चला, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने समय अपना प्लांट जो है एग्रीगेट की, आप देखना चाहेंगे जूम करके दिखा दूँ मैं, 248.5, इसको अगर हम लोग कम ज़्यादा करेंगे तो देख सकते हैं कम ज़्यादा हो रहा है, हो रहा है तो उसको जितने TPH में हम लोग चलाना चाहें उतना चलाएं, जो कि अपना प्लांट का फुल लोड है 250 TPH। TPH का मतलब होता है 10 पर हावर्स, मतलब कि एक घंटे में अपना अपना जो प्लांट है कितने टन माल निकालेगा। उसके बाद में ये होता है फीडर वन, फीडर टू, फीडर थ्री, फीडर फोर, ये फीडर वो होते हैं जिसमें माल भरा होता है, 4 फीडर होते हैं। फीडर वन में अपना क्रेशर डस्ट होता है, फीडर टू में अपना 10 mm होता है, फीडर थ्री में 20 mm, और फीडर फोर में 40 mm माल भरा जाता है। ये अपना आ जाता है वाटर पंप का,
इसकी वाटर जो है अपना कितने परसेंट पे चलाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाटर हो गई, सीमेंट हो गई, ये वाटर जो है अपना इतने समय 8.0 पे चल रहा है। इसको हम लोग इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको कम ज़्यादा करेंगे आप देखेंगे ये कम ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, तो कम ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद में ये हो गया मॉडल सेट और एक्चुअल के, मतलब जो अपने मोटर है वो कितने में चल रहे हैं, जितने में हम लोग सेट कर देंगे उतने में चलेगा कि जितना माल आ रहा है। तो इसको हम लोग हमेशा सेट पर रखते हैं कि हम लोग जितने सेटिंग करते हैं उतने पर चलना है। उसके बाद में ये अपना ये टोटल ऑन ऑफ, ये टोटल ऑन ऑफ के इसलिए जैसे हम इसको बंद कर देंगे तो ये पीछे के मोटर ऑफ हो जाएंगे, जो कि गैदरिंग और सिलेंजर इसके लिए क्या है ना कि टोटल जो ऑफ है। जैसे कभी लैब वाले आते हैं माल माल जो है लैब चेकिंग के लिए ले जाते हैं, तो उनको बेल्ट अपना स्टॉप करके पीछे से 1 मीटर से माल वो ले जाते हैं, जिसमें से वो अपना चेक करते हैं कि जो माल जा रहा है वो परसेंटेज में सही है या नहीं सही। उसके बाद में ये लाइन वोल्टेज ओके कि लाइन का वोल्टेज आ रहा है कि उसके बाद में डीजी का वोल्टेज आ रहा है, ये अपना शो करता है, ये एक इंडिकेटर है। उसके बाद में ये अपना एक सेंसर का एरिया हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है नो फ्लो bin 1 bin 2 bin 3 bin 4, जो कि दिखाता है कि अपना जो 4 फीडर हैं उसमें से माल आ रहा है कि नहीं आ रहा, किससे नहीं आ रहा। जिससे भी माल नहीं आएगा वो लाइट जो है रेड कलर की ब्लिंक होगी, जलेगी। उसके बाद में ये बता रहा है PWR, जो कि बता रहा है सही है कि मतलब चालू है कि बंद है। अगर ये चालू है लाइट जल रही तभी ये सेंसर काम कर रहे हैं। ये हो गया बजर का, अलार्म बजता है जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई प्लांट में या कोई फॉल्ट हो गया तो ये अलार्म बजता है, बजर बजता है। उसके बाद में जब ये सारा कुछ हो जाता है ये अपना देख सकते हैं ये प्लांट लोड का लोड आउट मोटर का है, कितना लोड पे चल रहा है। उसके बाद ग्लोब हॉपर का हो गया, ये अपना पगमिल का हो गया। पगमिल जैसे सपोज करिए अपने मोटर सब 60 HP की मोटर है तो उसमें अपना मिक्सर का जो मैक्सिमम लोड है 77 जाएगा, लेकिन हम लोग कभी भी इसका लोड 40 से 45 के ऊपर नहीं जाने देते हैं, मैक्सिमम 50 तक जाता है बस। उसके बाद में आप देखेंगे ऑन ऑफ का है फेडर 1 फेडर 2 फेडर 3 फेडर 4, वाटर पंप एंड सीमेंट, यानी कि ऑन ऑफ हम लोग यहाँ से करेंगे और परसेंटेज कम ज़्यादा हम लोग यहाँ से करेंगे। आप देख सकते हैं ये मैं आपको दिखा दूँ, ऑन ऑफ ऊपर से करेंगे और प्लांट लोड यहाँ से देंगे और ऑन ऑफ वहाँ से करेंगे। उसके बाद में जी आपको डिस्प्ले के बारे में बता दूँगा मैं, ये जो है एग्रीगेट है कि अपना कितने परसेंट पे कितने TPH पे प्लांट चल रहा है, एग्रीगेट TPH, और ये दिखा रहा है जब इतने TPH में चल रहा है तो 1 घंटे में अपना कितना टन माल जा रहा है। उसके बाद में एग्रीगेट में ये वाटर का है कि एक घंटे में कितना लीटर पानी जा रहा है, इसमें कितना kg सीमेंट जा रहा है, ये चारों फीडर हो गए कितने परसेंट पे चल रहा है, ये नेक्स्ट मेट मटेरियल जो मिक्सिंग होने के बाद में कितना टन माल निकला है वो दिखा रहा है। उसके बाद में ये वाटर का परसेंटेज है और ये सीमेंट का है। जी हाँ बताना भूल गया था, ये हॉपर टाइमर है। अगर हम लोग इसको जो आप देखे थे वापस से दिखा दूँ मैं, ग्लोब हॉपर मोटर और ये ग्लोब हॉपर ऑन ऑफ, ये अगर ऑटो और मैनुअल पे लगा है, जैसे हम ऑटो पे करेंगे ये, जैसे हम लोग इसको ऑटो में करते हैं तो ये चालू हो जाता है। चालू होने के बाद में इसमें एक टाइमर सेट होता है, जिससे कि हम लोग टाइमर सेट कर देते हैं 1 मिनट 2 मिनट, तो उतने ही समय में जो हॉपर का गेट है वो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ हो जाता है, जिससे माल गिरने लगता है। बस मैं समझता हूँ आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्लांट वर्किंग कैसे करता है। धन्यवाद। तो ये है 4 बिन फीडर, जिसमें से 4 अलग अलग माल डाला जाता है। इसमें 1 नंबर पे 10 2 नंबर पे 20, 3 नंबर पे 10 mm, 4 नंबर पे 40 mm डाला जाता है। नीचे ये बैटरी बेल्ट है जो माल को लेकर के आगे चार्जिंग कन्वेयर को लेके आता है। उसके बाद में ये माल जाता है मिक्सर में, जिसमें कि पानी और सीमेंट मिक्सिंग होता है। ये मिक्सर हो गया अपना। उसके बाद में ये माल लोड आउट में करते हुए गाड़ी में लोड कर दिया जाता है, जो ऑफर है ऑफर से गाड़ी में लोड हो जाता है। ये माल आपको दिखाता हूँ, ये माल कैसे मिक्सिंग होता है।